नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके उस लेबर क्लास, उस मजदूर वर्ग के लिए है जो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाए जो इन मजदूरों के आसपास हैं, या ये मजदूरों तक ये अगर वीडियो पहुंचती है तो मेरे लिए मेरे सौभाग्य की बात होगी। ये जरूरतमंद लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचाए, ये निवेदन है आप सभी से। जिस तरह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन, महाराष्ट्र क्या पूरे भारत में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, और जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो मेरे महाराष्ट्र में आज आके फंसे हुए हैं, खास करके उत्तर भारत की तरफ के लोग, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये जो राज्य है मध्य प्रदेश, ये जो राज्य है यहाँ से जो लेबर क्लास मुंबई महाराष्ट्र में काम करता है और लॉकडाउन की वजह से जो फंस चुके हैं, उनको वापस अपने गांव तक, अपने घरों तक भेजने के लिए मेरी टीम ने, हम लोगों ने एक सुविधा का बंदोबस्त किया है, उपलब्धता की है। 14 तारीख को अगर लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद 15 तारीख को सवेरे मुंबई से, मुंबई के अलग अलग ठिकानों से करीबन 40 बसेस हमने अरेंज की है जो इन मजदूरों को यहां से ले जाके अपने अपने राज्यों में इसे छोड़ेंगे। और ये पूरी जो सुविधा है, इन मजदूरों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ये पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा है इन मजदूरों को अपने गाँव, अपने प्रदेश छोड़ने के लिए। और इन सारी चीजों को लेके हमने निवेदन किया है महाराष्ट्र सरकार से और खास करके केंद्र सरकार से कि 14 तारीख के बाद अगर थोड़ी सी रियायत या हमें परमिशन दी जाती है, अगर ये लॉकडाउन हटता है, तो हम ये 40 बसेस में इन मजदूर वर्ग को ले जाके अपने अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये जो ऐसा वर्ग है जो महाराष्ट्र में रो डेली काम करता है और डेली कमाई करके अपना परिवार का पेट पालता है, इनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इनके पेट भूखे हैं, इनके घरों में अन्न का दाना नहीं है, तो ऐसे मजदूरों को यहाँ पे महाराष्ट्र में रहना और उसको सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है। तो मैं चाहता था कि मैं इन लोगों को, खास करके जो मजदूर वर्ग हैं, इनको अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ने की जो व्यवस्था है वो कर सकूं, उसी को देखते हुए मैंने ये 40 बसेस अरेंज कराई है। और अगर महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार ने हमें परमिशन दी और लॉकडाउन अगर हटता है, तो 15 तारीख को सवेरे ये बसेस मजदूरों को लेके, करीबन 1800 मजदूरों को लेके ये बसेस मुंबई से उत्तर भारत की तरफ जाएंगे।